हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। दिवाली आने वाली है तो दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम दिवाली स्पेशल गुंजिया की रेसिपी बनाएंगे, वो भी बिना किसी मोल्ड के और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो हम लेंगे 1 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छे से छान कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सूजी, 3 से 4 पिंच नमक, 1 टेबल स्पून मेल्टेड घी। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटा लगकर तैयार है। अब हम इस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसे ढककर रख देंगे और अब हम स्टफिंग बनाएंगे। गैस ऑन करके पैन में 1/2 कप मावा डालेंगे। इसे हम 2 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लेंगे। ये होममेड मावा है, इसमें काफ़ी अमाउंट में घी की मात्रा है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप शुगर, 1 टेबल स्पून किशमिश, 6 से 7 बादाम और 6 से 7 पिस्ता बारीक कटे हुए। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। सभी को मिक्स करेंगे और इसे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, जब तक कि शुगर मेल्ट होकर मावे में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। तो मावा और शुगर दोनों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप कोकोनट पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट इसे भी लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो स्टफिंग बनकर तैयार है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम आटे से नींबू के साइज की लोई कट करेंगे। तो इसी प्रकार से हम सारी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी लोई बनकर तैयार है। अब हम एक लोई लेंगे, उसे सूखा मैदा लगाकर पूरी से पतला रखते हुए बेल लेंगे। इसी प्रकार से एक और बेलकर तैयार करेंगे। अब हम पूरी के बीच में 1 चम्मच स्टफिंग डालेंगे। पूड़ी के चारों तरफ हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि आसानी से सील हो सके। अब इसके ऊपर एक और पूड़ी रखेंगे और इसे अच्छे से चारों तरफ से प्रेस कर देंगे। अब हम फोक की सहायता से इसे अच्छे से सील करेंगे। इससे दोनों पूड़ियाँ आपस में अच्छे से सील भी हो जाएगी और बिना किसी मोल्ड के डिज़ाइन भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसके चारों तरफ हमें फोक की सहायता से अच्छे से प्रेस करते हुए इसे सील कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि बिना किसी सांचे या मोल्ड के बहुत ही अच्छी गुंजिया बनकर तैयार हुई है। तो इसी प्रकार से हम बाकी की गुंजिया भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारी गुंजिया बनकर तैयार है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। गैस ऑन करके पैन में घी गरम कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और घी में गुंजिया को फ्राई करने के लिए डालेंगे। एक बार में हम इतनी ही गुंजिया डालेंगे कि आसानी से फ्राई हो सके। तो अब हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहेंगे और पलटते रहेंगे और हमें इसे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है और गैस की फ्लेम हमें लो ही रखना है। तो गुंजिया अच्छे से फ्राई हो गई है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे और इसी प्रकार से हम बची हुई गुंजिया को फ्राई कर लेंगे। सारी गुंजिया को हमने फ्राई कर लिया है। तो इस दिवाली आप इस आसान सी रेसिपी को जरूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।